गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन सो टूडे इज़ योर ई वी एस क्लास इन ई वी एस क्लास वी विल गोइंग टू स्टडी पेज नंबर टू ग्रोइंग अप दिस इज चैप्टर नंबर वन अबाउट मी एंड वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट ग्रोइंग अप ग्रोइंग अप का मतलब होता है बड़ा होना आप लोग सब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं कल आप क्लास वन में थे आज आप क्लास टू में पढ़ रहे हैं सो so, आप थोड़ा सा बड़े हुए हैं ओके वी वर बॉर्न एज बेबीज ठीक है हम लोग जब बॉर्न हुए थे तब हम छोटे से बेबीज़ थे वी ग्रो अप टू बिकम यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हम बड़े होते हैं और धीरे क्या बनते हैं यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स when we are 13 13 years old we become teenagers teen ages जब हम 13 इयर्स के हो जाते हैं तब हम क्या बन जाते हैं टीन एजर्स एट 18 एट 18 वी बिकम एडल्ट्स और जब हम एटीन ईयर्स के हो जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं अडल्ट्स सी वैन वी आर बॉर्न वी आर लाइक दिस बेबीज फिर हम थोड़ा सा बिग होते हैं स्कूल बॉय स्कूल गर्ल बनते हैं फिर और बिग होते हैं एंड देन वी बिकम लाइक आवर फादर एंड मदर एंड देन वी बिकम लाइक आवर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर एज वी ग्रो ओल्डर ओल्डर मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वी चेंज इन सम वेज ठीक है हम कुछ चेंजेस में कुछ कुछ वेज में चेंज भी होते हैं बट सम थिंगस रिमेन्स द सेम कुछ चीज़ें सेम रहती है वी ग्रो टॉलर ठीक है जब हम बिग होते हैं पहले हम जब स्मॉल थे तो हमारी हाइट भी कम थी जब हम बिग हुए हैं तब हम हाइट में भी इंक्रीज़ हो गए जब हम नर्सरी में थे तो हम छोटे से दिखते थे अब हम बड़े हो गए क्लास टू में आ गए तो हम थोड़ा सा बिग दिखते हैं एंड आवर हैंड्स एंड फीट गेट बिग नर्सरी में जब आप थे तो जब जो शूज़ जो यूनिफॉर्म आप नर्सरी में पहनते थे वो आप अब नहीं पहन सकते वाई बिकॉज आपके हैंड्स एंड फीट फीट मतलब योर पैर ओके योर लेग्स ये भी बिग हो जाते हैं आवर नोज एंड ईयर्स ऑल्सो गेट बिगर इन साइज हमारा नोज एंड हमारे ईयर्स भी बेग होते हैं बट बट का मतलब क्या होता है लेकिन द कलर ऑफ आवर आइज रिमेन्स द सेम जो कलर आइज आपकी आइज़ का आपके बर्थ के टाइम पर था वो कलर आपकी आइज़ का आपकी लाइफ टाइम तक रहेगा ना लर्निंग न्यू थिंग्स लर्निंग न्यू थिंग्स मतलब जैसे जैसे आप बेग होते हो यू कीप ऑन लर्निंग न्यू न्यू थिंग्स पहले जब आप बिल्कुल छोटे से थे तो आपको सिर्फ लेटना आता था फिर आपने क्रॉल करना सीखा नीज़ के थ्रू दैन यू लर्न हाउ टू वॉक दैन फिर आपने किसी ने साइकिलिंग सीखी किसी ने स्विमिंग सीखी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम लोग सीखते हैं We learn new things as we grow older. kuch new new Some things are easy to learn, like drawing. Others are a little difficult, like riding a bicycle. You learned many new things. What things did you find easy to learn? एंड वॉट वर अ लिटल डिफिकल्ट ओके सो ये सब आपका पर्सनल है इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैम ने आंसर लिखवाया है वो आंसर आपका होना ज़रूरी है मैम को लर्निंग ईजी लगती है रीडिंग ईजी लगती है हाँ हो सकता है आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो राइट right? इसलिए ये वाली एक्सरसाइज मैम आपके लिए छोड़ रहे हैं आप इसको पढ़ना एंड यू कीप ऑन डूइंग इट ना वी आर स्पेशल अब हम लोग सब डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं आपके जैसा और कोई नहीं दिखता है है ना तो हम लोग क्या हैं? हम लोग सब स्पेशल हैं वी ऑल लुक डिफरेंट हम लोग सब अलग दिखते हैं एक दूसरे से वी लाइक डिफरेंट थिंग्स हमें अलग अलग चीज़ें पसंद हैं We may also be similar in many ways. हाँ हो सकता है कि हमारी और हमारे फ्रेंड की हाइट एकदम सेम है हमारे और हमारे फ्रेंड की फेवरेट कलर एक सेम है फेवरेट चीज़ जो उसको पसंद है वो हमें भी पसंद है तो ये सिमिलर चीज़ है हो सकता है कि आपको केक खाना पसंद है आपके फ्रेंड को कैरट्स एंड वेजिटेबल्स खाना पसंद है तो वी ऑल आर डिफरेंट एंड वी ऑल आर सिमिलर आल्सो बट हम लोग सब स्पेशल हैं ओके